हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव तथा SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव तथा SSHD ड्राइव के बारे में। इनमें से कौन सी ड्राइव हमें बेहतर परफॉर्मेंस देती है डेस्कटॉप या लैपटॉप पर? ये अभी जितने भी हमने नाम लिए हैं, ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसका यूज हम आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन SSD तथा SSHD ड्राइव यह नई टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस हैं जिनका यूज आजकल हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी ड्राइव्स के बारे में। यहां पर हम आपको हार्ड डिस्क ड्राइव तथा सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस बताएंगे कि क्या अंतर होता है इन ड्राइव्स में, कौन सी ड्राइव हमें ज्यादा परफॉर्मेंस देती है डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। उसके बाद हम SSHD ड्राइव के बारे में समझेंगे। तो पहला अंतर तो यह है व्यूअर्स कि जो हार्ड डिस्क होती है वह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें बहुत सारी मैग्नेटिक मेम्ब्रेन या प्लेटर्स होते हैं जिनके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, यहां पर डाटा स्टोर करते हैं। डाटा को रीड करने के लिए हार्ड डिस्क में एक आर्म होती है जिसके एक सिरे पर हेड होता है जो इन घूमती हुई प्लेटर्स से डाटा को रीड करता है और पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर पर डाटा को राइट करता है। यह प्लेटर या मेम्ब्रेन बहुत तेजी से घूमती है जिसके रोटेशन को हम RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। जैसा आपने हार्ड डिस्क पर लिखा देखा होगा कि ये 5400 RPM या 7200 RPM की हार्ड डिस्क है। जितनी ज्यादा RPM की हार्ड डिस्क होगी उतनी ही ज्यादा फास्ट डाटा को रीड और राइट करेगी, जबकि SSD में ऐसा कुछ भी नहीं होता। SSD में बहुत सारी चिप लगी होती हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। जिस तरह से RAM में बहुत सारी फ्लैश चिप लगी होती हैं या पेन ड्राइव में चिप लगी होती हैं, उसी तरह से SSD में भी चिप होती हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है, यानी SSD में भी हार्ड डिस्क की तरह डाटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है इसमें पावर कंजप्शन। क्योंकि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है तो निश्चित है कि उसमें पावर ज्यादा लगेगी, क्योंकि हार्ड डिस्क में एक मोटर लगी होती है जो स्पिंडल की मदद से प्लेटर को रोटेट कराती है, उसमें पावर कंजप्शन निश्चित है कि अधिक होगा। जबकि SSD में ऐसी कोई मोटर नहीं लगी होती है, उसमें सिर्फ चिप लगी होती है जो बहुत ही कम पावर यूज करती है। इसलिए अगर लैपटॉप में SSD लगी हुई है तो वो लैपटॉप ज्यादा बैटरी बैकअप देगा हार्ड डिस्क के मुकाबले। अगला डिफरेंस है व्यूअर्स डाटा ट्रांसफर स्पीड या डाटा ट्रांसफर रेट। अब हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफर की। डाटा ट्रांसफर का मतलब है अगर किसी ड्राइव में कोई डाटा डाल रहे हैं तो इसका मतलब डाटा को राइट करना, और अगर डाटा को किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब डाटा को हम उसमें से रीड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है डाटा को रीड करना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें प्लेटर पर डाटा स्टोर होता है जो बहुत स्पीडली और निश्चित RPM जैसे 5400 RPM 7200 RPM से रोटेट होती है, तो हार्ड डिस्क अगर कम RPM की है तो हेड को डाटा ट्रांसफर करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जबकि SSD में रोटेशन के लिए कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से पेन ड्राइव से डाटा रीड और राइट होता है उसी तरह से SSD से भी डाटा को हम रीड और राइट कर सकते हैं। SSD में छोटी छोटी फ्लैश चिप और माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं जहां से डाटा को एसेस करते हैं, जो कि बहुत ही फास्टली होता है। तो कहने का मतलब है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD में डाटा ट्रांसफर स्पीड अधिक फास्टली होती है। नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डाटा स्टोरेज की। तो डाटा स्टोरेज के लिए तो जब हमें ज्यादा कैपेसिटी का डाटा स्टोर करना होता है तब हार्ड डिस्क से बेटर डिवाइस और कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसी डिवाइस अभी तक नहीं बनी जिसमें हार्ड डिस्क के मुकाबले ज्यादा डाटा स्टोर कर सके। SSD परफॉर्मेंस वाइज अच्छी हो सकती है लेकिन स्टोरेज के मामले में यह थोड़ी वीक है। यहां पर हार्ड डिस्क बाजी मारती है
मार्केट में आपको बड़ी से बड़ी स्टोरेज की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, जैसे 4 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, 8 टेराबाइट इत्यादि। अगला अंतर है व्यूअर्स बूटिंग टाइम का। अगर किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को हम बूट करते हैं तो हार्ड डिस्क के मुकाबले एसएसडी में बूटिंग बहुत ही फास्टली होती है, क्योंकि एसएसडी में डाटा डायरेक्ट फ्लैश चिप से एक्सेस होता है, जबकि हार्ड डिस्क में स्प्लेंडर प्लेटर को रोटेट करता है, जिससे सिस्टम को बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिस्टम को बूटिंग के मामले में एसएसडी ही सबसे बढ़िया और बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट अंतर है हीटिंग और नॉइज प्रॉब्लम। जैसा कि आपको अभी बताया था कि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें एक मोटर लगी होती है जो रोटेट होती है, जो बहुत तेजी से घूमती है, जिससे हार्ड डिस्क में कुछ आवाज आती है, यानी एक शोर उत्पन्न होता है। और भी इसमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं जो हीट यानी गर्म होते हैं, जबकि एसएसडी में माइक्रोचिप होती है तो इसमें नॉइज का तो सवाल ही नहीं होता है, ना ही इसमें कोई हीटिंग से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। हार्ड डिस्क का एक और ड्रॉबैक है कि अगर हार्ड डिस्क को एक से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं, कहीं धोखे से वह गिर जाती है, या हम अपने कंप्यूटर से उसको खोल रहे हैं और अचानक हमारे हाथ से वो छूट जाती है, तो हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है और हमारा इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो लॉस हो सकता है। जबकि एसएसडी बिल्कुल पेन ड्राइव या रैम की तरह होती है, जिसमें चिप लगी होती है, तो अगर गिर भी जाती है तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पेन ड्राइव या रैम हमारे हाथ से छूट भी जाती है और अगर हम उसको फिर से कंप्यूटर में लगाते हैं तो ज्यादातर वो फिर से काम करने लगती है। अगला अंतर है व्यूअर्स प्राइस का। अगर प्राइजिंग की बात करें तो हार्ड डिस्क मार्केट में आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाती है और सभी जगह यह मिल जाती है, जिसका स्टोरिंग कैपेसिटी भी अधिक होता है, जबकि एसएसडी की प्राइस मार्केट में हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी अधिक होती है। लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है एसएसडी की प्राइस रेट कुछ कम हो, लेकिन अभी तो हार्ड डिस्क के मुकाबले एसएसडी की प्राइस रेट ज्यादा है। तो ये कुछ अंतर आपने यहां पर देखे एचडीडी तथा एसएसडी में। अब हम बात करते हैं एक और ड्राइव की, जिसे हम कहते हैं एसएसएचडी यानी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। यह ड्राइव उन यूजर के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जिन्हें हार्ड डिस्क का स्पेस भी चाहिए और एसएसडी का परफॉर्मेंस भी चाहिए तथा प्राइस भी इतनी खर्च नहीं करनी है, तो इसके लिए एसएसएचडी को खरीदना बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बूटिंग हमें फास्ट रखनी है, तब यहां हम एसएसएचडी के एसएसडी वाले पोर्शन का यूज करते हैं। इसमें उन सभी फाइलों को या सॉफ्टवेयर को भी रखते हैं जो रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन एचडीडी वाले पोर्शन में हम उन फाइलों को स्टोर करते हैं जिनका यूज हमें कम करना होता है, जैसे मूवीज की फाइल है, इमेजेस की फाइल है, तो इस तरह की फाइलें हम हार्ड डिस्क वाले पोर्शन में रख सकते हैं एचडीडी के। तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव एक बेहतर ऑप्शन है सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए तथा फाइल को लार्ज मात्रा में स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए व्यूअर्स, अब आपको ही यह सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सी ड्राइव सबसे ज्यादा यूज की है, क्योंकि सभी ड्राइव के अपने अपने फीचर्स होते हैं। कोई ड्राइव स्टोरेज के मामले में अच्छी है, तो कोई ड्राइव परफॉर्मेंस के मामले में अच्छी है या प्राइस के मामले में, तो यह सब हमें खुद डिसाइड करना होगा कि किस ड्राइव को हम अपने सिस्टम में लगवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपकी इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करके इससे सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को दूसरे लोगों के लिए, जिससे इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।